बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मोतमदीन अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अराकीन असेंबली व अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मौजूद हाजरीन कराम, बुजुर्गान मिलत, मेरे नौजवान साथियों, अजीजान मिलत, मैं सबसे पहले आप तमाम को अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 55 साल की तकमील पर आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह सुबहाना व तआला के फजल और करम की वजह से सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआएं हैं इसमें, औलिया अल्लाह की और अहले दिल की, और इसमें कई लाखों की तादाद में उन बेनाम लोगों की मेहनत और जस्तजू है, उनका खून और पसीना इसमें शामिल है। अगर इस जमात ने आज अपने 55 साल को तकमील किया तो यकीनन इस जमात के इस 55 साल सफर में ऐसे लाखों की तादाद में उन लोगों के आंसू हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर इस जमात की तरक्की के लिए दुआएं की। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूं और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर सकूं, क्योंकि अजीजान मिल्लत इस्लामिया अगर फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ वो तमाम जियाले मजलिसी अराकीन उनकी ज़ेरे ख़ियादत अगर मेहनत और जस्तजू नहीं करते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। अगर उन जियाले मजलिस के अराकीन फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ जेल की सोबतों को बर्दाश्त नहीं करते तो आपको ना हमको हुकूमत से कैसे मुकाबला करना हमको मालूम नहीं होता। अगर उन लोगों ने जमात की तरक्की के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया तो वो आने वाली नस्ल को एक दर्स दिया कि देखो ये जमात की तरक्की के लिए, इस जमात की मजबूती के लिए, इस जमात की कामयाबी के लिए हम तमाम को ईसार और कुर्बानी के लिए तैयार रहना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए सुबह क़यामत तक जब तक इंशाअल्लाह ताला जमात बाकी रहेगी कभी भी हम अब्दुल वाहिद ओवैसी और उनके साथियों की ईसार और क़ुरबानी को हम भुला नहीं सकेंगे। आने वाली नस्ल यकीनन अब्दुल वाहिद ओवैसी को और उनके साथ जो उस वक्त जमात के मोतमद थे, अराकीन थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरजमीन दखन, उनको फखर की निगाहों से देखते रहेगी। अगर सालार मिल्लत के ज़ेर क़यादत वो तमाम मजलिस अराकीन ने उनके साथ खंधे से खंधा मिलाकर इस जमात की मजबूती के लिए
जो मेहनत और जुस्तजू की हम उसको कभी नहीं भूल सकेंगे। अजीजान मिल्लत, मरहूम खायद सालार मिल्लत ने अपनी जिंदगी में कई मरतबा जेल की सोबतों का शिकार हुए, जेल को गए, शहर बदर किया गया, उन पर हमले किए गए, उनके किरदार पर हमले किए गए। और तारीख ने ऐसा वक्त भी देखा कि मरहूम खायद को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मक्का मस्जिद के उस मुकद्दस जगह पर कुरान अपने सर पर उठाना पड़ा। ये तमाम मसायब और मुश्किलात, ये आजमाइशी दौर से सबको गुजरना पड़ा। और अजीजान मिल्लत, इन अजीम उल मुर्तबत कायदीन ने हमको अपनी जिंदगी से एक दर्स दिया, हमको एक मशाले राह बताई, वो ये कि देखो इस राह में हमको हमेशा ईसार और कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमको इस राह में हमेशा हम पर इल्जाम लगाए जाएंगे, वो झूठे इल्जाम ही रहेंगे, मगर हमको इन इल्जामों का मुकाबला करना पड़ेगा। आज अगर मरहूम खायद सालार मिल्लत अपनी सियासी बसीरत और अपने तमाम मेहनत और जस्तजू के जरिए ये अगर आज हम कामयाबियां हासिल की, तो मरहूम खायद की मेहनत और जस्तजू, और इसका क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिन्होंने मरहूम खायद सालार मिल्लत के साथ लाखों मील का सफर उस गाड़ी में किया, जगह जगह जाकर अजलाओं में जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखों का ख्यामल में लाया, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया। यकीनन एक सियासी जमात की तारीख में 55 साल एक बहुत कम सफर है, मगर अगर मौरख का कलम आजाद होगा तो मौरख लिखेगा कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस 55 साल के सफर में जो कामयाबियां हासिल की, जो कौम और मिल्लत ने अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर ना सिर्फ अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पार्लियामेंट में भी जाया, बल्कि असेंबली में भी जाया, अराकीन बल्दिया को मुंतखब करके उनको मुख्तलिफ बल्दियात में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, तो कभी नांदेड़ की सरजमीन पर भी आज हम देखते हैं कि हमारे अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवाम की बेबाक नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहरहाल अजीज दोस्तों, ये तमाम चीजें उसी वक्त हमको हासिल हुई जब हमने मेहनत की, जस्तजू की। आप और हम जानते हैं कि मरहूम खायद ने अपनी तकारीर में बार बार इस बात को दोहराया कि देखो अल्लाह की राह में जस्तजू करो, अल्लाह की राह में जस्तजू करो, जो कौम जस्तजू करते रहेगी अल्लाह उनको कामयाब करेगा। और हमारी जस्तजू जो रही 55 साल में, वो जमहूरियत के दायरे में रहकर रही, कानून के दायरे में रहकर रही। हमने अपनी लड़ाई को दस्तूर के आइन और उन तमाम हुकूक को हासिल करने के लिए हमने अपनी लड़ाई को जारी रखा, और यही सफर जारी रहेगा। अजीजान मिल्लत, मैं यहां पर अपनी जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, हालिया दिलसुख नगर के बम ब्लास्ट में जो मासूम लोगों की जानी गई, मैं उन तमाम लोगों के अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुबहाना व तआला उन अफराद खानदान को अल्लाह सबर दे, क्योंकि 17 लोगों को खोना ये उन तमाम अफराद खानदान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। किसी ने अपने भाई को खोया, तो किसी ने अपने बाप को खोया, तो किसी ने अपने शौहर को खोया, तो किसी ने अपनी बहन को खोया। यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है, इसलिए कि यह हमला सिर्फ दिलसुख नगर की आवाम पर या शहर हैदराबाद पर, बल्कि ये हमारे मुल्क पर हमला है, ये हमारे अजीम हिंदुस्तान पर हमला है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है और उन तमाम हुकूमत के इदारों से मुतालबा करती है कि ये तमाम जालिमों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने इस दरिंदगी के तमाम काम किए, जिन लोगों ने दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट किया, इनको इंसान हम नहीं कह सकते,
इनको हैवान भी हम नहीं कह सकते कि जिस तरीके से इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया, आज भी दवाखाने में लोग जख्मी हैं, लोगों की आवाम की पैरों को काट दिया गया, तो किसी ने अपने हाथ को खो दिया। बताइए अजीजान मिल्लत, क्या ये कोई इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है? हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनको फौरन गिरफ्तार करे। और साथ ही साथ हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, जिसने ऐलान किया कि जिन लोगों की जाने गई उनको हुकूमत कंपनसेशन देगी, मैं रियासती हुकूमत से और मरकजी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जल्द से जल्द वो कंपनसेशन उन तमाम अफराद खानदान को दिया जाए। जो हुकूमत ने ऐलान किया कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको भी हुकूमत उनकी मदद करेगी, तो हुकूमत का काम यह है कि जल्द से जल्द उनकी भी मदद की जाए, क्योंकि जो लोग जख्मी हुए, जो लोग शहीद हुए, ये तमाम के तमाम का ताल्लुक गरीब घरानों से है, और हुकूमत का काम यह है कि इनकी फौरन इमदाद करें। ये ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया, मरकजी हुकूमत ने भी किया और रियासती हुकूमत ने भी किया। और तीसरी अहम बात यह है कि मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करूंगा, मैं हुकूमत से अपील करूंगा और हुकूमत के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप इस पर सियासत मत करिए, इस पर सियासत मत करिए। इंसानों की जानें चली गईं, लोग जख्मी हुए हैं, खुदा के लिए इसको हिंदू और मुस्लिम का रंग मत दीजिए। यह हमला मुल्क पर हुआ है। मैं उन ओहदेदारों से कहना चाह रहा हूं जो फिरका परस्ती की ऐनक पहनकर अपनी तहकीकात कर रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हिंदू और मुसलमान की नजर से इसको मत देखो। तुम तहकीकात गैर जानबदार और प्रोफेशनल तरीके से करो, और तुम्हारी तहकीकात तुमको कहां तक लेकर जाती है फिर उसके बाद आप बताओ आवाम को और लोगों को गिरफ्तार करो। मुझे अफसोस होता है कि फिरका परस्त ओहदेदार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में है और जो फिरका परस लोग मीडिया में है, वो जब से बम ब्लास्ट हुआ एक घंटे के अंदर अपनी सुई पलटा दी, शक की सुई पलटा दी किसकी तरफ, के मुसलमानों ने किया होगा, फुला ने किया होगा। मैं इन लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं, अगर आपके पास इतनी मालूमात थी कि एक घंटे के बाद आपने कहा कि ब्रेकिंग स्टोरी किसी अखबार ने लिख दिया, तो फिर क्या तुमको तुम सांप सूख गए थे कि बम ब्लास्ट से पहले आपने क्यों नहीं लिखा, बम ब्लास्ट से पहले आपने तमाम चीजें क्यों नहीं बताई कि फुला शख्स आया था, फुला शख्स वहां पर दिखाई दिया? अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास इतनी इत्तलात थी तो फिर तुमने इसको पूरे मुल्क के सामने क्यों नहीं रखा? क्या तुमने मुल्क का नुकसान नहीं किया? क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो कि इतनी मालूमात तुमने अपने पास रखी और मुल्क के सामने उसको नहीं रखा? अगर तुम्हारे पास पहले से ही मालूमात थी तो तुम्हारे काम यह था कि तुम मुल्क के सामने उसको रखते, मगर बम ब्लास्ट होने के बाद इन पर इल्जाम लगाना और फिर वही तहकीकात का तरीका जो मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट किया गया था, उन्हीं बच्चों को बुलाकर तफ्तीश करना जिनके ताल्लुक से इस रियासती हुकूमत ने अकबरुद्दीन ओवैसी और अराकीन असेंबली की नुमाइंदगी पर माफी चाही, हुकूमत की तरफ से उनको कैरेक्टर का अच्छे किरदार का सर्टिफिकेट दिया गया, हुकूमत की तरफ से उनको पैसे दिए गए, उन्हीं को बुलाकर तफ्तीश करना, यह सही इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यह सही इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यह गलत है, यह गलत है, यह रुकना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि असल खातियों को गिरफ्तार करो आप, मगर वही बच्चों को बुलाकर पूछना, वही बच्चों पर जुल्म करना। आज ले जाकर सीआरपीसी 109 में उनको बाउंड ओवर किया जा रहा है, क्या पैगाम दे रहे हैं आप? किसको क्या पैगाम दे रहे हैं आप? क्या तुम्हारे इन तहकीकात की वजह से, तुम्हारे इस तरह की गलत अखबारात और मीडिया में रिपोर्टिंग की वजह से
क्या तुम हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवारों में और इजाफा नहीं कर रहे हो? क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये तहकीकाती एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के दिलों को जोड़े, बजाय उसके ये लोगों के नफरतों की दीवारों में इजाफा कर रहे हैं? क्या ये मीडिया के लोग भूल गए? क्या ये तहकीकाती एजेंसियों के फिरका परस्त चंद अहदेदार भूल गए कि मरने वालों में मुसलमान भी शामिल है, जख्मियों में मुसलमान भी शामिल है? अरे फिरका परस्त मीडिया, अरे फिरका परस्त अहदेदारों, मैं तुमको कहना चाह रहा हूं कि तुम अपने जहन के जालों को साफ करो। तुम ये देखो कि जिन दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट किया, वो ये नहीं देख रहे कि इसमें बम ब्लास्ट में मरने वाले हिंदू मरेंगे या मुसलमान मरेंगे या सिख मरेंगे। वो उनका मकसद ये कि हिंदुस्तानी मरे, उनका मकसद ये कि इस मुल्क का शहरी मरे। और तुम ये काम कर रहे हो कि हमको मजहब में डिवाइड कर रहे हो। ये कौन सी तहकीकात है? कौन सी रिपोर्टिंग है ये? और ये अखबारात अगर इस तरह की रिपोर्टिंग को, ये टीवी चैनल इस तरह की रिपोर्टिंग को खत्म नहीं करेंगे तो हम, याद रखो, हम तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल डिफामेशन डालेंगे, तुमको कोर्ट कर लेकर जाएंगे, तुम्हारे चपड़ा घसाएंगे तुमको। तुम लोग, ये मीडिया के लोग, ये चंद मीडिया के लोग, ये चंद फिरका परस्त अहदेदार 2007 से सबक हासिल नहीं कर रहे। अरे अपने जहन को साफ रखो। ये मुल्क के पर हमला है, ये हिंदुस्तानी शहरियों पर हमला है, मगर नहीं, आप इसको सुई पलटा दिए। मैं मजम्मत करता हूं हमारे होम मिनिस्टर के उस बयान पर कि होम मिनिस्टर ने जो कहा कि अफजल गुरु और कसब की फांसी के बाद ये हमला हो सकता है। क्यों कहा उन्होंने इस बात को? क्या आप तहकीकाती एजेंसियों को एक रुख पर नहीं लेकर जा रहे? क्या हिंदुस्तान नहीं जानता कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में किस पर इल्जाम लगाया गया और कौन जेल में है? क्या हिंदुस्तान के अवाम नहीं जानती कि लुम्बिनी और गोकुल चाट के बम ब्लास्ट में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर मुकदमा चल रहा है, कौन लोग हैं? क्यों आप फिरका परस्ती की जहनियत को उनके मजाहरे करते? इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तहकीकात तुम्हारी बेफायज रहेंगी, नाकाम हो जाओगे तुम। मैं मरकजी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरन एनआईए को तहकीकात दी जाए, एनआईए को काम करना चाहिए। और फिर सवाल यह पैदा होता है कि बेंगलुरु में जो 15 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, वो बेंगलुरु की पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया। मैं तुम्हारे सामने इंकशाफ कर रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बेंगलुरु में जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, वो आंध्र प्रदेश की काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन बच्चों को एनआईए ने चार्जशीट के जरिए उनका नाम निकाल दिया, मुतियुर रहमान सिद्दीकी, जो बेंगलुरु के डेक्कन हेरल्ड मशहूर अखबार है उसका सब एडिटर, और यूसुफ नलबन, इन बच्चों ने कहा कि हमको आंध्रा की काउंटर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया। मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि आपने सहलत काम क्यों करने दिया काउंटर इंटेलिजेंस को? और मुतियुर रहमान सिद्दीकी और यूसुफ नलबन कहते हैं, क्या कहते हैं, कि आंध्र प्रदेश की काउंटर इंटेलिजेंस ने जब हमको गिरफ्तार करके कोर्ट को लेकर जा रहे थे तो हमारे सर पर नमाज की टोपियां रख दी, हमारे सर पर नमाज की टोपियां रखी। अगर ये झूठ है तो कंडेम करो काउंटर इंटेलिजेंस वालों। हम बच्चों को रिहा करते, हैदराबाद में गड़बड़ हुई तो कोर्ट में जाकर ये काउंटर इंटेलिजेंस वाले कहते कि बेल के पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, तुम तो गरीब हो। जब बच्चों को गिरफ्तार करते ये मुतियुर रहमान सिद्दीकी को ये कहा गया मीडिया ने कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर है, असल कमांडर है ये, वही छूट गया, उसी को छोड़ना पड़ा। फिर बताओ मुकदमा क्या हुआ, क्या होगा तुम्हारे मुकदमे का? तुमने बड़ा चाहकर पेश किया कि फुला कर रहे थे, फुला करना चाहते थे, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने
मुफ्ती उर रहमान सिद्दीकी और यूसुफ नलबंद को छोड़ दिया। और अफसोस यह है कि हमको फिरका परस्त आप कहते, हमको दहशतगर्दी का दोस्त कहते, कभी कहते कि लश्कर से हमारे ताल्लुकात, अरे अगर है तो बताओ ना, 55 साल की हमारी जिद्दोजहद, ये मेहनत और जस्तजू, ये दारुसलाम के ईद जमीन पुकार कर कहेगी कि अय्याए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जमहूरी अंदाज में लड़ाई लड़ी। और मैं ऐलान कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई जमहूरी अंदाज में रहेगी और रहेगी। हमारे मसाए हैं, हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास का एक सियासी महाज बने। हम चाहते हैं कि मुसलमानों में, दलितों में, बैकवर्ड क्लास में जो दूरियां हैं वो खत्म हो, वो करीब आए, एक सियासी कुव्वत बने। आप ये नहीं चाहते और इल्जाम लगा देते कि फिरका परस्त है। बताइए अजीज दोस्तों कि यही बेंगलुरु में एजाज अहमद मिर्जा नामी डीआरडीओ के साइंटिस्ट को पकड़ा गया, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट, इसको डीआरडीओ का साइंटिस्ट है, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। किसको? एजाज अहमद मिर्जा को मिला। और एजाज अहमद मिर्जा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला जनवरी 2012 में, 2014 जनवरी तक कॉन्ट्रैक्ट था। अब नया लेटर दिया गया और उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एजाज अहमद के कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म करते हैं तो फिर 4 साल से मालेगांव और समझौता बम ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित गिरफ्तार है, उन पर भी इल्जाम है। 4 साल से कर्नल पुरोहित को डिफेंस की मिनिस्ट्री तनख्वाह दे रही, कर्नल पुरोहित को 4 साल से, मालेगांव का ब्लास्ट का मुलजिम, समझौता ब्लास्ट का मुलजिम और मिलिट्री और डिफेंस उसको तनख्वाह दे रही है। ये एजाज अहमद जो साइंटिस्ट है उसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिए, ये सेकुलरिज्म है। वो 4 साल से जेल में है और तुम उसको तनख्वाह दे रहे। और ये इंकशाफ किसने किया? ये इंकशाफ हमने नहीं किया, ये इंकशाफ मेजर उपाध्याय ने किया जो उनके साथ मुलजिम है। उसने आरटीआई में एप्लीकेशन डाली तो आरटीआई ने कहा कि हां यह बात सही है, 4 साल से उसको तनख्वाह मिल रही। वाह रे तुम्हारा इंसाफ, ये तुम्हारी फिरका परस्ती है। इसी से फिरका परस्त ताकतों को मजबूती हासिल होती है। हम मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुतालबा करते हैं, मनमोहन सिंह साहब आपको हमने अपने वोटों से मुंतखब किया, बताओ क्या यह काम सही है कि हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर रहे दहशतगर्दी के नाम पर और फिर क्या होता है तहकीकात पर छोड़ दिए जाते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितने मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया गया जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है उनको रिहा किया जाए। और फिर ये अखबारात और मीडिया, ये गंदा खेल मत खेलो आप, ये अच्छा नहीं है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। देखो दहशतगर्दी से अगर मुकाबला करना है तो सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा, मीडिया को एक होना पड़ेगा। यकीनन आपका काम है कि रिपोर्टिंग करें, मगर ये सुई लिख जाना फुला ऐसा हुआ, मजलिस का ऐसा, क्या मजलिस कर रहे तुम? अगर इतनी मोहब्बत है मजलिस से तो आओ मैदान में आके मुकाबला करो। तुम जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का लिबास में तो हमसे मुकाबला कैसे करोगे? तुमको अगर हमसे नफरत है तो आओ मैदान में मुकाबला करो, फेंको कलम को, इलेक्शन लड़ो, बताएंगे तुमको। मगर तुम बुज़दिल हो, तुम कलम के पीछे हम पर वार कर रहे हो, तुम हक को नहीं लिख रहे हो। तो अगर हक को लिखना है तो तमाम चीजें सामने आएंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हक और जिन लोगों ने काम किया ये तमाम के तमाम सामने आएंगे। जो दहशतगर्द होते अजीजाने मिल्लत उनका कोई मजहब नहीं होता,
उनका कोई मजहब नहीं होता। जिन लोगों ने उन लोगों की जाने ली वो मुसलमान नहीं कहला सकते, जिन लोगों ने उन लोगों की जाने दी ली उनको हिंदू नहीं बोल सकते। ये खुद एक नया मजहब बन चुका है और इस लड़ाई में हम तमाम को एक होना पड़ेगा। ये बीजेपी को छोड़ो, इनको कुछ काम नहीं है, इनको सिर्फ लफ्ज़े ओवैसी से इतनी मोहब्बत हो गई कि जहां बैठो जिक्र इनका। पार्लियामेंट में बहस हो रही तो कायद अपोजिशन सवाल करती है कि क्या सऊदीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से हुआ। मोहतरमा, अगर मैं सवाल कर दूं आपसे, ये सवाल कर दूं कि सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में कहा और जिन लोगों के बारे में कहा वो नाराज होकर ये काम किए तो अच्छा होगा? मैं भी पलटा सकता हूं बात को, और हम इतना पलटा सकते हैं, इतना पलटा सकते हैं कि तुम पलट जाओगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। हमसे नफरत है, रखो। तुम, आपको मेरी सूरत पसंद नहीं, मुबारक आपको। आपको मेरा वजूद पसंद नहीं, मुबारक आपको। मगर मुल्क के मामले में तो कम से कम एक जहती का मजाहरा करो। यह हमारे मुल्क पर हमला हुआ, यह हमारा मुल्क है। इस मुल्क पर तो जब हमला हुआ तो एक हो नहीं, उस पर भी सियासी रोटी सेकेंगे। लोग अभी दफनाए नहीं गए, लोगों को अपने मजहब के तौर पर उनके आखिरी रसूमात नहीं हुई तो आप अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये गलत है। और याद रखो संघ परिवार, बीजेपी वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 2014 में पूरी कोशिश करेगी कि सेकुलरिज्म को और सेकुलर ताकतों को मजबूत किया जाए। हम हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिस शख्स को संघ परिवार इस मुल्क के अजीम ओहदे वजीर आजम वजारत उज़्मा के ओहदे पर बिठाना चाहता है, अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनेगा तो ये मुल्क के लिए, सेकुलरिज्म के लिए ये बहुत बड़ा गलत फैसला होगा। मान अच्छा है, बीजेपी ऐलान करे कि ये हमारा उम्मीदवार है, मुल्क फैसला करेगा। इस मुल्क की दलित आवाम फैसला करेगी, इस मुल्क की बैकवर्ड क्लास की आवाम फैसला करेगी, इस मुल्क का मुसलमान और ईसाई फैसला करेंगे कि मुल्क किस राह पर जाएगा। और यही लोग वोट डालने वाले हैं, ये बड़े तबके के लोग वोट नहीं डालते, ये खाली अखबार को काला करते, अपने मुंह को काला करते, अपनी जेब को भरते। हम वोट डालने वाले, वोट डालने वाले हमें धूप में खड़े होकर वोट डालते, बच्चों को गोद में लेकर चार चार घंटे तय कर वोट डालते, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है दलित, एक बैकवर्ड क्लास, एक मुसलमान। अरे जमहूरियत के इंजन को अगर कोई चला रहा है तो हमारी मेहनत इसी से चल रही है। आज मुल्क फैसला करेगा। अजीजाने मिल्लत, आज हालात और वक्त का तकाजा यह है कि हम जस्तजू करें, मेहनत करें। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो नया नहीं है। आज अगर मुझे जेल को भिजाया गया या अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में रहना पड़ा या हमारे अराकीन बल्दिया को जेल को जाना पड़ा, तो आज का ये तमाम चीजें देखकर 55 साल की पुरानी तारीख ताजा हो गई, 55 साल की पुरानी तारीख ताजा हो गई कि ही 2 मार्च के जलसे के बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी और उनके साथ में मजलिस अराकीन को जेल में डाला गया था। 11 महीने जेल में डाला गया। जेल में डालने वालों से उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा था कि हम घुटने टेकने वालों से नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, हमारी लड़ाई जमहूरियत के दायरे में है। उस वक्त अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किया गया। आज 55 साल के बाद जब अब्दुल वाहिद ओवैसी और चंद मजलिस के अराकीन अहिया मजलिस के लिए कोशिश कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, उन जलसों में चंद लोग आते थे, तो उस वक्त बड़ी बड़ी तंजीमें थी, उन्होंने कहा कि सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहिए।
आज 55 साल के बाद इनको अब ख्याल आया कि नहीं सियासत में हिस्सा लेना, ये हम में और आप में फर्क है। हमने 55 साल पहले इस बात को महसूस किया, तुमने 55 साल के बाद महसूस किया।